दो दिन से ये लोग शराब पी रहे थे, जिसकी वजह से इनमें हिंसक बहस हो गई। जब बहस खत्म हुई तो हमलावर ने एक कुल्हाड़ी निकाली और दोस्त के सिर पर वार कर दिया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। हैरान करने वाली बात कही थी रूस के उराल क्षेत्र के बशकोतरिस्तान पुलिस के प्रवक्ता ने। ये खौफ और हैवानियत से भरी कहानी है हिंदुस्तान की जमीन से 4383 किलोमीटर दूर की। तो चलिए आपको आज क्राइम तक पर बताएं दो दोस्तों के बीच लगी ऐसी शर्त की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे अक्सर शराब पीने के बाद दोस्तों के बीच झगड़े की खबर तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ जो किया वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मीडिया में खबरों के मुताबिक रूस के उराल क्षेत्र के बशकोरिस्तान में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का प्राइवेट पार्ट कुल्हाड़ी से काट दिया। दरअसल 47 साल के शख्स अपना 52 साल के बचपन के दोस्त के साथ शराब पी रहा था और नशे में ही दोनों दोस्त ने प्राइवेट पार्ट की लंबाई मापने की प्रतियोगिता का फैसला किया। इसमें दूसरा शख्स अपने दोस्त से हार गया, जिसके बाद दोनों में बहस हो गई। इस बात से उस शख्स का दोस्त इस कदर गुस्से में आग बबूला हो गया कि उसने कुल्हाड़ी से उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। जानकारी के मुताबिक दोनों दोस्त दो दिन से लगातार शराब पी रहे थे। पीड़ित की चीख सुनने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया और फिर घायल दोस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्त के हमले की वजह से दूसरे शख्स के सिर में भी काफी गंभीर चोट लगी है। आपको बता दें कि उस शख्स को प्राइवेट पार्ट के आसपास कुल्हाड़ी की चोट की वजह से काफी गंभीर घाव भी लगे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी उन्होंने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि आरोपी के दोषी पाए जाने पर उसे रूस के कानून के मुताबिक करीब करीब 8 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।